हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिप म्यूट के बारे में, जैसे कि फ्लिप म्यूट सेटिंग हम कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं, आज हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है और सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग पर, तो क्लिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके का इंटरफेस नजर आ जाएगा और आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट एक्सिस्ट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके का इंटरफेस नजर आ जाएगा और आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा है एडजस्टर। तो फर्स्ट वाले में दिखा रहा है स्मार्ट पैनल, तो सेकेंड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके का इंटरफेस नजर आ जाएगा और आपको यहाँ पर दिखा रहा है फ्लिप म्यूट। तो फ्लिप म्यूट को हम सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लेंगे और आपकी और भी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, जैसे कि स्मार्ट स्क्रीन ऑन है, थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट है, टाइपिंग वर्क है, म्यूजिक जेस्चर है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो फ्लिप म्यूट सेटिंग फ्रेंड्स यहाँ से ऑन कर लेंगे और इसका काम ये होता है, जैसे कि आपका कोई फ़ोन वगैरह आता है तो आप चाहते हैं कि एकदम साइलेंट हो जाए फ़ोन, जो है बजे ना, हम कहीं बैठे हैं मीटिंग वगैरह में, तो आप जैसे ही ये मेरा फ़ोन रखा हुआ है, जैसे इस पर कॉल आती है और ये बजता है, रिंग करता है, तो मैं इसको ऐसे उठा के और इसको ऐसे रख दूंगा, यानी कि फ़्लिप कर दूंगा। फ़्लिप करते ही ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। तो ये होता है फ्रेंड्स फ्लिप म्यूट सेटिंग। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।